नमस्कार साथियों, स्वागत है नई वीडियो में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, रूईट की मुख्य परीक्षा को लेकर, नेगेटिव मार्किंग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बहुत बुरी खबर है आप लोगों के लिए। जी हाँ, आगे आपको सारी जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। इस वक्त की सबसे लेटेस्ट अपडेट है, 60% भी नहीं हो रहे हैं सही। जी हाँ, लेवल 2 की बड़ी खबर बताई जा रही है। आगे आपको सारी जानकारी मिलने वाली है, क्या क्या बड़ी अपडेट आई है नेगेटिव मार्किंग को लेकर। जी हाँ, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब बता दूँ कि बुरी खबर देने जा रहा हूँ। जी हाँ, तो साथियों आप लोगों को बता दें, नेगेटिव मार्किंग को लेकर सबसे बड़ी अपडेट है रीट की मुख्य परीक्षा को लेकर। चलिए आपको बताते, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो आप लोग को बता दें, नेगेटिव मार्किंग को लेकर ये बड़ी खबर है। पहले ही आपको बता चुका हूँ, और नेगेटिव मार्किंग बहुत ही बड़ा असर डालती है आपके प्रश्नों पर। जी हाँ, आप जितने ज़्यादा प्रश्न करते हैं, आपको नहीं आते और वो प्रश्न गलत हो जाते, तो आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएंगे। जी हाँ, प्रश्न के नेगेटिव मार्क हो जाएंगे। आपको बता दिए, बड़ी अपडेट आ रही है कि अध्यापक भर्ती परीक्षा अंग्रेजी विषय के तमाम साथी सबसे पहले 80+ क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखे। जी हाँ, इससे ज़्यादा आप करते हैं, 120 तक करते हैं, तो आप एक बेवकूफ़ी कर रहे हैं। जी हाँ, आपके मार्क नेगेटिव हो जाएंगे। जी हाँ, और आपको बता दें, अब तक की सबसे बड़ी गलती नेगेटिव मार्किंग की रही है, जैसे बहुत साथियों के खून के असर होने की मजबूरी रही है। आप लोग देख सकते हैं, अभी भी पछता रहे जो ज़्यादा पर्सन करके आया है, क्योंकि उनके नेगेटिव मार्किंग आ चुके हैं। सबसे कम कट ऑफ आपकी बता दें अंग्रेजी विषय की रहेगी, हमने अगले वीडियो में आपको बताया था। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।